हमने वो सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी बनाई, हमें काफ़ी मुश्किलात हुई नेपरा से, उसको नेपरा से लाइसेंस लेना होता है। अच्छा, हमने कहा ये भी लाइसेंस नेपरा क्यों दे, हम खुद ही क्यों ना ये काम करें। उस वक्त तो नेपरा से ले लिया, अभी हमारी ग्रिड की कंपनी की भी हमारे पास नेपरा से इजाज़त है, पहला सूबा जिसने ली थी। तो हमने उसी वक्त कॉन्सेप्ट बनाया कि हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के टर्म्स में बनाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली 2018-19 में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, हमें नहीं करने दिया गया। अब हमने उसको आगे बढ़ाया है, और जो हम कह रहे हैं ना, हम टैरिफ सेटिंग एक्चुअली, तो अगर आप पढ़ें आइन, टैरिफ सेटिंग भी सूबों का काम है, लेकिन अगर बिजली हमें बना के ही आप देंगे 50 रुपये यूनिट की और फिर कहेंगे कि इसको आप बेचें, तो यहाँ तो हमें जेब से किसी और के पैसे, यानी मेरे लोगों के पैसे एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डालने होंगे बिजली सस्ती करने के लिए, या आप खुद ही अपने इंडिजिनस फ्यूल्स इस्तेमाल करके बिजली सस्ती करें। इस वक्त हमने एक अंदाज़ा लगाया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं और कोशिश होगी कि उसको और सस्ता किया जाए बिजली को, जब हमारी इंशाल्लाह ताला, ये 6 महीने साल में नहीं होगा काम, ये थोड़ा मीडियम टर्म काम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके फवायद और इसके असरात आपको हमारी इस टर्म में नज़र आ जाएंगे। देखिए, हुकूमत के साथ हम फेडरल लेवल पे नहीं है, खैर परसेप्शन आप कह रहे हैं कि लगता है साथ है, होगी, और लोग कहते भी सदर भी हैं और सब। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। बिजली पे आपने बात की ना कि बिजली की महंगी होने की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, कितना आपके वो तजाद है, खुला तजाद है जिसे कहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा है, 40,000 मेगावाट है, 20,000 इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बिजली महंगी होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, और जितनी डिमांड कम होगी, जो जैसे मैंने आपको बताया, उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी बिजली की। तो करना क्या चाहिए, आपको डिमांड बढ़ानी चाहिए।